प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो इधर हूं आप सबके बिन। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम जिस पिक्चर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, पिक्चर का नाम है अटकन छटकन। दरअसल पिक्चर जो है Zee5 में रिलीज हुई है। तो पिक्चर के जो हमारे प्रोड्यूसर है, जबकि वो कह सकते हैं पहली बार ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे जो है प्रोड्यूसर वो AR रहमान। जी हाँ दोस्तों, AR रहमान जो म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने प्रोड्यूस किया इस पिक्चर को अटकन छटकन। और इस पिक्चर को डायरेक्ट और राइटर जो है शिव हरे, और इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर जो है ड्रम्स मनी, जो जबकि वो शिव मनी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इस पिक्चर के, वो खुद ही AR रहमान के शिष्य रह चुके हैं। दरअसल इस पिक्चर बच्चों के जिंदगी पर आधारित है, क्योंकि इस पिक्चर में आप देखने को मिलेगा कि चार बच्चे जो है मिलके किस तरह एक बचपना होता है और बच्चे में एक जोश होता है। अगर आप बचपन में ऐसा लगता है कि इस पिक्चर को देखे कि हम अपने बचपन में जा चुके हैं, क्योंकि आप बच्चे में हम जिस तरह की हरकतें करते थे, वैसी हरकतें आपको इसमें देखने को मिलता है। यहां तक कि आप अपने घर में अपने बच्चों को देखेंगे हरकतें करते हुए, तो शायद आपको पिक्चर देखते आपको यही याद आएगा। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है कि एक बच्चा क्या चाहता है, उसके दिलो दिमाग में क्या सपना है, क्या उमंग है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ अलग सोचता है और अलग करता है। वाकई काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, मुझे तो बस अपना बचपना याद आ गया। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो इतना अच्छा लगेगा कि हमारे देश में जैसा ऐसा होता क्या है कि बच्चों के आधारित में इतना पिक्चर नहीं बनता नहीं है, और जितने विदेशों में बनता है। और जैसे अगर अपने देश में बनता भी है तो बच्चों को लेके तो कार्टून मूवी बनता है, एक एनिमेशन मूवी बनता है, बस वैसे ही बनता है। पर एक बच्चा आखिर चाहता क्या है, आखिर करना क्या चाहता है, कि उसके सपने क्या है, उसके चाहत क्या है, वो जैसे आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। तो इस पिक्चर जो लीड रोल किया है नागासरन, जो लिनन नागासरन, उसके बाकी तीन बच्चे होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसके दिलो दिमाग में ऐसा होता है कि उसे हर एक चीज में एक म्यूजिक दिखाई देता है, जो चीज मिले उसे बचाना, हर एक आवाज में एक से म्यूजिक लगता है। और ये बच्चा जो है एक चाय की लारी में काम करता है, और साथ ही बाजू में जो एक रैपर होते हैं, लोग म्यूजिक बजाते हैं, उसे सुन के से काफी अच्छा लगता है और वो ऐसा सीखना चाहता है, उनकी तरह बनना चाहता है। तो वो अपनी चाय की लारी काम छोड़ के फिर वहां जाता है, फिर वहां पे उसको भी नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलती, और फिर एक बंगार के दुकान में जाके काम करता है, फिर वहां से कुछ उसके सामान चोरी हो जाते हैं, फिर इंजाम उस पर लगता है कि उसने चोरी किया। इस तरह पिक्चर चलता है और बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। फिर बाद में पता चलता है कि भाई बंदा जो है, बच्चे जो है, इस बच्चे में काफी टैलेंट है, एक हुनर है, उसमें कुछ जोश है कि वो अच्छा म्यूजिक बजाएगा, एक अपनी एक पहचान बनाएगा और अपने हुनर को पूरे दुनिया में अपने एक सीख देगा लोगों को, और अपनी एक अपनी अलग ही पहचान बनाएगा। ये कहना चाहते हैं इस पिक्चर के राइटर और डायरेक्टर। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, मुझे तो अपना बचपना याद आ गया। और मैं तो कहूंगा कि आप एक बार जरूर पिक्चर देखिएगा, आपके खाते नहीं बल्कि आपके बच्चे के खाते। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जब भी देखिए, इसराइल नाम का एक देश है, उस देश में ऐसा है कि बच्चों को बस एक मैकेनिकल नहीं कहा बनाया जाता है कि बच्चे बस बच्चा है तो बस उसको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, उसको इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर बनना है या तो फिर उसको एक क्रिकेटर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बस एक मैकेनिकल, बस गाड़ी को चाबी डाला तो गियर लगाया तो गाड़ी ये स्पीड में जाएगी और यहां पर रुकेगी, इससे ब्रेक पकड़ना, ऐसा नहीं है। ऐसे एक अपने बच्चे को हम पाल के ऐसे ही हम उसे एक रास्ता बना के एक सोसाइटी में बस डाल देते हैं कि बस सोसाइटी का सिस्टम है, बस यही चलना है, बस इसी तरह जीना है और इसी तरह मतलब मर जाना है, यही लोग करते हैं। पर जैसे अगर इस देखने जाए तो इसराइल में ऐसा है, इसराइल देश में, कि बच्चे में क्या टैलेंट हो, क्या करना चाहता है और किस में उसकी दिलचस्पी ज्यादा है, उसका जो मन किस में लगता है उस पर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह बस इसी पिक्चर में ऐसा ही है कि बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दे, और उससे उसकी अपनी पहचान और अपनी हुनर पूरी दुनिया को अपनी पता पाएगा कि वो क्या चाहता है और क्या करता क्या है। बस यही कहना चाहते इस पिक्चर में डायरेक्टर और जो राइटर जो है, बाकी काफी अच्छा प्रेजेंट किया गया, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है कि आपको बस अपना बचपना याद आ जाएगा और आप ये करेंगे कि चलो कि मैंने तो नहीं किया पर मेरा बेटा तो करेगा, मेरी बेटी तो करेगी, वो जो चाहती है, वो जो करना चाहता है, इस तरह आपको एक पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी काफी अच्छा पिक्चर, एक बार आप जरूर देखिएगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा। और इतना ही नहीं बल्कि आप इस वीडियो देखिए, अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लोग ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा, और ये कोरोना पैंडेमिक में मास्क जरूर पहनिएगा और सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइजेशन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।